यह बात है 2020 की। 2020 जैसे ही शुरू हुआ, 2020 के शुरू होते के साथ ही शुरू हो गया पूरे दुनिया के अंदर एक महामारी, और ये था कोरोना वायरस। वो कोरोना वायरस जो कि चाइना से निकला था, और निकला नहीं था, प्रोबेबली उसे निकाला गया था, रिसर्च करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस वायरस को बनाया गया था ताकि पूरे दुनिया के अंदर उसे फैलाया जाए, जिसके बाद की जो बड़े बड़े देश हैं वो घुटने टेक ले और उनको वैक्सीन दे के अपना प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन ये जो रिसर्च था उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं और ये वायरस फैल जाता है पूरे दुनिया के अंदर। उस समय पे जब लोग ये सोच रहे थे कि कल का दिन मैं देख पाऊंगा, अपने घर वालों से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, उनकी आंखों में वो डर देखा जा सकता था, हर एक व्यक्ति की आंखों में डर कि वो जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्या उनका ये जो फैमिली है वो सर्वाइव कर पाएगा इस पैंडेमिक को, क्या ये जो पूरी दुनिया है वो सर्वाइव कर पाएगी इस पैंडेमिक को। लोगों की आंखों में डर था, लोग देख रहे थे कि उनके कॉलोनी में, उनके मोहल्ले में, उनके परिवार में, उनके आस पड़ोस में लोग जब मर रहे हैं कोरोना वायरस से तड़प कर, तो उनकी बॉडी को कैसे प्लास्टिक में रैप करके, आइसोलेट करके उनको क्रीमेट किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है या फिर दफनाया जा रहा है। हालत इतनी खराब थी कि जिनके लोग मर रहे थे, जिनके परिवार वाले मर रहे थे, जिनके दोस्त मर रहे थे, रिश्तेदार मर रहे थे, वो अपने रिश्तेदारों को देख भी नहीं सकते थे, उनके बॉडी को छू भी नहीं सकते थे, उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते थे। और इस पैंडेमिक के बीच में सब लोग जब आस की नज़र से हमारे साइंटिस्ट के ऊपर देख रहे थे कि काश कोई ऐसी वैक्सीन बन जाए, काश कोई ऐसा मेडिसिन बन जाए जो कि हमें इस कोरोना वायरस से बचा ले, हमारे रिश्तेदारों को बचा ले, हमारे बच्चों को बचा ले, उस समय पे हमारे देश को डिफेम करके, हमारे साइंटिस्ट को डिफेम करके कोशिश की गई एक प्रोपेगेंडा फैलाने की। और जब हमारे साइंटिस्ट इस कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने की शुरुआत करते हैं तो उनको कितनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। जब ये वैक्सीन बन के ऑलमोस्ट रेडी होने वाला होता है तब ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि हमारे साइंटिस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे साइंटिस्ट जो वैक्सीन बनाएंगे वो इफेक्टिव नहीं होगा, लोगों की जान नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हमारे देश ने कभी भी आज तक कोई वैक्सीन बनाया ही नहीं है, और इसलिए हमें वैक्सीन बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करने चाहिए, क्योंकि वो जो वैक्सीन है वो टेस्टेड है, बाहर के हैं, विदेशी वैक्सीन है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होंगे। और इस कारण से हमारे देश का स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, इसको डिमीन किया जाता है, डिफेम किया जाता है, ये पता होते हुए भी कि ये सबसे असरदार, सबसे सटीक वैक्सीन है। तो पहले तो ये नैरेटिव बनाया गया कि ये वैक्सीन ही ना बने, पूरी कोशिश की गई कि वैक्सीन ना बने, और जब ये वैक्सीन बन गया तब ये बातें फैलाई गई कि ये वैक्सीन तो असरदार ही नहीं है, हमें फाइजर यूज करना चाहिए, फाइजर को क्यों नहीं गवर्नमेंट इम्पोर्ट कर रहा है। तो जब लोग डरने लगे इस वैक्सीन को लेने से और उस कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, तो मरने के बाद भी उनको चैन नहीं मिलता है, उनके डेड बॉडीज के फोटोज को बेचा जाता है, उनके डेड बॉडी के फोटोज़ को अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स में बेचा जाता है ताकि ये दिखाया जा सके कि देखो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ हो रहा है, इंडिया के अंदर जो कोविड के केसेस है वो सबसे ज़्यादा है, और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो फाइजर वैक्सीन नहीं ले रही है, और बाकी के जो कंट्रीज है वहाँ पे इतने डेथ नहीं हो रहा है। फिल्म की जो अहमियत है वही लोग फील कर सकते हैं जिन्होंने अपने किसी अपने को खोया है, अपने दोस्त को खोया है, अपने परिवार वालों को खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है, वो जानते हैं कि क्या दुख है, किस पीड़ा से वो लोग गुजर चुके हैं, यहाँ तक कि इस पूरे वैक्सीन को डिफेम करने के लिए, हमारे देश को डिफेम करने के लिए टूलकिट बनाया गया, अलग अलग पॉलिटिशियन से उसके ऊपर ट्वीट करवाए गए, अलग अलग इन्फ्लुएंसर से उसके ऊपर ट्वीट करवाए गए, अलग अलग आर्टिस्ट से उनके ऊपर ट्वीट करवाए गए, और इसके लिए उन्हें बहुत भारी रकम दी गई। अब ये जो अमेरिकन वैक्सीन थी फाइजर, इसके बनाने वाले के पीछे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल है, ये हमारे गवर्नमेंट के जैसा नहीं है कि ये किसी ने गवर्नमेंट ने बनाया है, फाइजर के पीछे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल है जो कि ये चाहते थे कि वो अपने वैक्सीन को बेचकर बहुत मोटा रकम कमाए। लेकिन इसके लिए ये जरूरी था कि पूरे दुनिया के लोग ये समझे कि आखिर फाइजर वैक्सीन वो खरीदे क्यों, और इस चीज के लिए उन्होंने हायर किया बहुत सारे जर्नलिस्ट को, बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस को, और उनसे पेड आर्टिकल्स लिखवाए, ह्यूज अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए गए ताकि इनके फाइजर की प्रमोशन हो सके। और जब इन लोगों ने ये प्रमोट किया कि फाइजर सबसे बेस्ट वैक्सीन है, उसके अलावा तो बाकी सब बेकार है, तो उसके कारण बहुत सारे कंट्रीज ने फाइजर खरीदा भी, लेकिन खरीदने के बाद नतीजा क्या हुआ, उन कंट्रीज ने फाइजर को एक एक करके बंद कर दिया, उनके डील फाइजर कंपनी से बंद हो गए। और इसके बारे में मैं आपके साथ बहुत सारे आर्टिकल शेयर करूंगा, इन आर्टिकल्स में आप देख सकते हो कि कैसे धीरे धीरे फाइजर एक्सपोज हुआ, कि उसकी जो इफिशियंसी है कैसे कम थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए गए थे मार्केटिंग में, प्रमोशन में, इसलिए लोगों को ये लग रहा था कि हमें फाइजर ही लेना चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश के वैक्सीन को टारगेट किया गया था, इसके ऊपर कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि द वायर को अपने 14 आर्टिकल्स हटाने चाहिए। और ये जो पूरी मूवी है ना, इसमें आपको जो ये जो कैरेक्टर दिख रहा है,
ये कैरेक्टर रोहिणी सिंह का ही कैरेक्टर है, और क्योंकि मूवी में वो डायरेक्टली दिखा नहीं सकते हैं बट हम तो बात कर सकते हैं ना, ये रोहिणी सिंह का ही कैरेक्टर है जो कि द वायर की है। और मूवी के अंदर भी ये जो द वायर है ना, इसका नाम डेली वायर है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। रोहिणी सिंह का मूवी के अंदर नाम है रोहिणी सिंह धूलिया, और इस मूवी के अंदर स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए गए हैं। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं ना, आपको एक्सपोजर वीडियो दिखाता हूं, मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन है जहां पे आपको ये लगेगा कि आप मूवी नहीं, आप एक एक्सपोजर वीडियो देख रहे हो, प्रॉब्ली मेरा एक्सपोजर वीडियो देख रहे हो, जिसमें मैं स्क्रीनशॉट दिखा के इन लोगों को एक्सपोज कर रहा हूँ कि कैसे हमारे भारत देश को बदनाम करना चाहते हैं। मूवी की जब शुरुआत होती है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट को एक डाउट है कि ये जो वुहान से वायरस लीक हुआ है, ये वुहान से लीक नहीं हुआ है, एक्चुअली में इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया जा रहा है। लेकिन वहीं पे बीच में कोई एक अधिकारी आता है, प्रोबेबली वो WHO का अधिकारी होता है, और वो वाइट वॉश कर देता है कि नहीं, इसमें चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो वैक्सीन बनाने की होड़ चल रही थी और जिस तरीके से फाइजर को प्रमोट किया जा रहा था इन न्यूज़ आर्टिकल्स के द्वारा, इन जर्नलिस्ट के द्वारा, उसमें सबसे जो बड़ा टारगेट था वो था इंडिया। रीज़न बीइंग, इंडिया के पास पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट है, चाइना के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है, तो सबसे बड़ा जो मार्केट होगा वो कौन होगा? इंडिया। और क्योंकि इन कंपनीज के कांटेक्ट में हमारे देश के अंदर बैठे हुए जर्नलिस्ट भी शामिल थे, वो भी उनके हेल्प कर रहे थे पैसे लेकर, तो उनके लिए ये बहुत आसान हो गया था कि उस वैक्सीन को वो हमारे देश में आकर आराम से बेच सके और सबसे ज्यादा मुनाफा बना सके। इन शॉर्ट, सब कुछ पैसों का खेल था, सब कुछ पैसों के इशारे पे हो रहा था। हमने देखा कि कैसे जो अलग अलग वैक्सीन थे उनको कैसे WHO अप्रूवल दे रहा था, लेकिन हमारी जो अपनी वैक्सीन थी कोवैक्सीन, उसको अप्रूवल नहीं दिया जा रहा था, जबकि सबसे असरदार हमारी ही वैक्सीन थी। बार बार कुछ ना कुछ, कभी ये बहाने, कभी वो बहाने, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, इस तरीके के एक्सक्यूजेस बनाकर WHO हमारा वैक्सीन को हरी झंडी नहीं दे रहा था। लेकिन वहीं पे चाइना का जो वैक्सीन था वो इतना कम इफेक्टिव होने के बावजूद भी वो WHO ने उसे हरी झंडी दे दिया था। हमारे जो शमशान घाट है, क्रिमेशन ग्राउंड थे, वहां के फोटोज बेचे गए, वहां के वीडियोज बेचे गए, वहां पे बैठकर, चिता के सामने बैठकर बरखा दत्त रिपोर्टिंग कर रही थी। इससे घिनौना और क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति जो कोविड से मरा है, उसे चैन से मरने भी नहीं दिया जा रहा है, मरने के बाद भी उसके चिता को यूज किया जा रहा है पैसे बनाने के लिए। और यही रीजन है कि जैसे ही ये जो द वैक्सीन वॉर मूवी रिलीज हुआ, तो इसके खिलाफ में ये पूरा टूलकिट गैंग सक्रिय हो गया। द प्रिंट वालों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा ये कहते हुए कि ये तो एक बेतुकी सी मूवी है, इसमें जानबूझकर विलन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जब मैंने ये चेक किया कि आखिर भाई ये आर्टिकल लिखा किसने है, इसको लिखने वाली जो राइटर है वो है टीना दास, और ये फॉलोड है रोहिणी सिंह से। अब इस मूवी के अंदर जो मेन विलन है वो रोहिणी सिंह ही है, और रोहिणी सिंह इसको फॉलो कर रही है, तो ऑब्वियस ये बात है कि ये वाइट वॉश करने की उसको कोशिश करेगी। और जब मैंने ये चेक किया कि द वायर वालों ने इसके ऊपर क्या लिखा है, जिसके ऊपर ये मूवी बनी है, कि द वायर वालों ने कैसे फेक न्यूज फैलाया, कैसे हमारे देश के अंदर डर का माहौल बनाया, तो मुझे एक भी आर्टिकल नहीं मिला। जब भी विवेक अग्निहोत्री जी की कोई भी मूवी आती है तो उसके ऊपर द वायर वाले तुरंत आर्टिकल पब्लिश करते हैं, बट इस बार नहीं किया। क्यों? क्योंकि मूवी का 30% पार्ट तो द वायर के ऊपर ही है, और अगर वो इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे तो चोर की दाढ़ी में टिनका वाला बात नहीं हो जाएगा। तो इसी कारण से दवार वालों ने इसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं किया, कोई आर्टिकल नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, मतलब रिएक्ट करने से मना ही कर दिया। और अगर हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे बारे में बात हो रही है। द वायर वालों ने इतना ज्यादा डिफेम किया था कोवैक्सीन और हमारे साइंटिस्ट को कि कोर्ट को बीच में आना पड़ा, और कोर्ट ने ये कहा कि द वायर और रोहिणी सिंह आज के बाद से कोवैक्सीन के ऊपर एक भी आर्टिकल नहीं लिखेगी। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मामले की जो गंभीरता है वो कितनी थी। तो ये जो द वैक्सीन वार मूवी है, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, और जितने भी नेशनलिस्ट लोग हैं जो कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए वो एक पैट्रियोटिक फीलिंग है उनके अंदर, वो नेशनलिस्ट अपने आप को बुलाते हैं, तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। आपको गूजबम्स आएंगे और आपको ये समझ में आएगा कि आखिर देश के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो हमें कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और स्पेशली द वैक्सीन वार को लड़कियों को देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो साइंटिस्ट है उसमें 70% लड़कियां हैं। मतलब औरतों ने कैसे मोर्चा संभाला है, वो घर भी संभाल रही हैं, वो प्रेशर भी संभाल रही हैं, वैक्सीन भी बना रही हैं, रिसर्च भी कर रही हैं, एक साथ वो सब कुछ हैंडल कर रही हैं। तो एक्चुअली में वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, इस मूवी से आपको समझ में आएगा। और ये पहली ऐसी मूवी है जो कि प्योरली हमारे साइंटिस्ट और हमारे साइंस के ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हमारे लिए वैक्सीन बनाने के लिए। ये कोई किसी खान की मूवी नहीं है, किसी कपूर की मूवी नहीं है, जिसमें बहुत बड़ा बजट है, 500 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ का बजट है, और उसके ऊपर 100 करोड़, 50 करोड़ रुपये प्रमोशन में फूंक दिए जा रहे हैं। इस मूवी का कहीं भी कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, कोई पेड प्रमोशन नहीं हुआ है। जो लोग भी इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, वो जानते हैं कि आखिर मूवी में दिखाया क्या जा रहा है।
कैसे हमारे देश को डिफेम करने की कोशिश की जाती है और कैसे उसको साइंटिस्ट मुंह तोड़ जवाब देते हैं वैक्सीन बनाकर और इफेक्टिव वैक्सीन बनाकर। जिन लोगों ने भी इस मूवी को देख लिया है, आप लोग प्लीज अपना सबसे बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना।